Anyone? हाँ जी anyone. क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे और मतलब से 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 कर कर रहा हूं और सारे सारे नहीं, लोग लोग नहीं, बड़े बड़े रहे हैं पहले कभी देखा नहीं देखा होगा क्योंकि मेरा टाइम ऐसा होता है कि मैं आ नहीं पाता हूँ पहले तो मुझे ये बोलना था आपको घोड़ बना रखा है उसमें लिखा हुआ है कि ओनली होस्ट कैन सी यू हाँ और जब जब होस्ट आएगा तब वो आपको लेगा तब तक आप वेट करो अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था मैंने आ, गाली भाई से भी पूछा था लेकिन वहां तब मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम एवोल्यूशन को देखते हैं तो ये सब चीजें ना रिलीजन वाली अपने आप ही डिबंग हो जाती है कि अगर एवोल्यूशन हुआ है तो बाकी सारी चीजें तो कल्ट हो गई ना वो हमने कहीं ना कहीं से लिया और मतलब रिलीजन बन गया ठीक है ना वो कहीं ना ऐसा नहीं है कि किसी भगवान ने भेजा और वो हो गया एवोल्यूशन है मतलब कोई भी रिलीजन और कल्ट नहीं है Am I right? है कोई भी रिलीजन और कल्ट नहीं है यानी बाकी चीजें कल्ट बन गई कल्ट so the की डेफिनेशन के ऊपर हर रिलीजन आता है या नहीं आता आई थिंक जो पुराने रिलीजन है वो कल्ट के डेफिनेशन में नहीं आते लेकिन um,

कि अगर हम सब एथिक्स हो जाएं तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस समय में बहुत ज्यादा बिक्री होती है मतलब सेल्स जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है हाँ।, हाँ तो जैसे अभी अगर दिवाली के बाद बताऊं तो आ, सवा लाख ट्रिलियन का दो दिन के अंदर परचेज हुआ है ठीक है तो आपको नहीं लगता कि मतलब कंट्री कैसे चलेगी अगर ये सारे रिलीजन जैसे मैं गाली भाई का भी सुन रहा था आ, उनकी स्ट्रीम थी कुछ इसके सामने न्यू ईयर के आसपास में उन्होंने बोला था कि जब हम मतलब व्हेन ही वाज क्रिश्चियन तो वो हंड्रेड हंड्रेड पीसीस ऑफ केक लेते थे और बांटने के लिए तो वैसी बात है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में सेम चीज बाकी जैसा होली में होता है कि आप कलर परचेज कर रहे हैं दिवाली में होता है आपके, आप क्या पटाखे लड़िया ये सब चीजें परचेज कर रहे हैं और सेम चीज अब अदर फेस्टिवल के मतलब ईद में भी होता है कि लोग नए कपड़े परचेज कर रहे हैं तो वही सेम चीज पूछना चाहता था कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है रिलीजन की वजह से लेकिन अगर वो चीज़ बंद हो जाएगी तो कैसे लगता है कि आपको कि मतलब बेसिकली मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के हिसाब से पूछ रहा हूँ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हम यार ये तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और जितनी भी अगर आपको दिवाली या होली से जो आपको पैसे बनते हैं जो कंट्रीज़ में दिवाली होली नहीं है वो बर्बाद हो गए हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट में क्रिसमस के ऊपर होती है ईस्टर में थोड़ी बहुत थोड़ शॉपिंग होती है सो व्हाट वो डिफ्रेंस में आपके पास अगर वो नहीं होगी एक सर्टन फील्ड ऑफ इनकम जो है रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो नहीं होगी उसको कोई और आ जाएगा इसमें कौन सी ऐसी बात है कौन से मुल्क की इकोनॉमी मुझे बताएं कि रिलीजियस फेस्टिवल की सेल्स रेवेन्यू के ऊपर चलती है किसी मुल्क की इकोनॉमी में खाल कोई भी ऐसे चलते है। आपके बाहर के मुल्कों में ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती हैं बॉक्सिंग डे फ्राइडेल होते हैं और बड़े दिन उन्होंने मिड ईयर सेल रखी होती है सेल 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 रखी होती है हिस्टेरिया क्रिएट किया जाता है सेल्स का वो किसी भी चीज पर किया जा सकता है इट्स नो बिग डील ये कौन सी ऐसी बात है बड़ा नो सर बड़ा ऑर्डनरी सा क्वेश्चन है ये मतलब बड़े अच्छे से क्लियर किया आपने मतलब बड़े आसानी से समझ में आ गया कह के, के हाँ आपको मतलब मेरा कहने का मतलब था कि बाकी सब जगह से इंडिया में मतलब हिंदुइजम में बहुत सारे इतने Festival. सारे फेस्टिवल्स होते हैं आ, जिसकी सही है और दूसरी चीज एक चीज एक चीज और एक चीज और मैं इसमें भी कहता हूँ मतलब मेरा भी खुद का मानना ये भी है कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री हाँ ओबे सी बात है कि जो पैसा हम मंदिर बनाने में लगा रहे हैं मस्जिद बनाने में लगा रहे हैं या किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं दो करोड़

लेकिन दुनिया दुनिया के जो सिस्टम है ना वो इस तरह चलते नहीं है दुनिया के सिस्टम चलते ही क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ पे जो न्यू वेल्थ क्रिएट होती है वो सिर्फ एक इंजन ऐसा है जो आपकी न्यू वेल्थ क्रिएट करता है बाकी जो है ना वो पाई के छोटे छोड़ छोटे हिस्से करते रहते हैं यानी जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज जो होती हैं सर्विस बेस्डी लेकिन जो एक्सपोर्ट बेस्ड होती है या न्यू वेल्थ पे जो आती है वो सिर्फ एक चीज़ से आती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है न्यू इंडिया जो है अगर इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है या चाइना की अगर की है तो वो अपनी चाइनीज न्यू ईयर की वजह से नहीं की या होली और दिवाली की वजह से नहीं की वो ना ही करेगी उसकी वजह से न्यू वेल्थ जो क्रिएट होगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगी इसीलिए अगर आप मंदिर बनाते भी हैं ना मेरे नजदीक वो फजूल चीज है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा इकोनॉमिकली स्पीकिंग ये हाँ जो ये भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो जी दूध बहा रहे हैं जो इतना दूध बहाते हैं ये लोग और यह बात सही है कि जब आप इतना दूध बहा रहे हैं फर्स्ट करें आपका कंट्री में वन मिलियन लीटर्स जो हैं रोज का दूध क्रिएट होता है अब उसमें से आपने वन मिलियन में से आपने एक लाख जो लीटर दूध है वो आपने इस तरह फजूल चीजों में कर दिया है तो ऑब्वियसली यू हैव ओनली नो लाख लीटर दूध लेफ्ट टू बी शेयर्ड विद तो ये पाई का साइज जो है वो छोटा हो गया और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पे भी पड़ेगा और टू तो सम एक्सटेंट उसका जो जो सबसे कमजोर बच्चे हैं अमीर बच्चा तो ले लेगा या सबसे गरीब होगा उसको शायद वो इसलिए ना मिले क्योंकि ये दूध की एक लाख लीटर दूध जो है फजूल में जाया हो रहा है एवरीडे तो इस तरह की चीजों में जब आप देखते हैं तो फर्क पड़ता है लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आज मेरे पास क्योंकि लोग प्राइवेट कैपेसिटी में करते हैं जो मंदिर बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं चंदा दे करते हैं जो चंदा उन्होंने दिया है उससे मस्जिद बनी है वही चंदा जो है क्या वो उसको स्कूल पे भी बनाया जा मे बी एक्चुअली मे बी यू हैव अ पॉइंट आई थिंक आने कि वही अगर हमारा कल्चर एक ऐसा हो कि हम ये जब फंड रेजिंग करते हैं मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए वही फ़ंड रेजिंग हम स्कूल के लिए कर दें दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट हाँ ऐसे भी हो सकता आई करेक्टेड माई सेल्फ देखा ये होती है पावर ऑफ रीजनिंग जब आप किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं तो आपको जहन में पॉइंट खुद ब खुद आ जाते हैं तो चले और कोई बात बिल्कुल बिल्कुल और मैं अपने आपको ये मान लूंगा कि आपने मेरा पॉइंट मतलब उसमें यस कर दिया और दूसरी चीज यही है ना कि अगर हम चंदा क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास में ऐसी पॉपुलेशन भी तो है ना जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही मतलब पॉवर्टी से डाउन है हो सकता है कि हम उस पैसे से उनका डेवलपमेंट ऐसी कर दें कि वो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो रिच बन जाएंगे पर वो इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपके वो खुद कमा पाएंगे या फिर उनको अच्छा रहन सहन मिल पाएगा मैं वैसे एक बात कह दूँ नहीं आपका पॉइंट वो वाला सही निकला कि वही पैसा अगर हम कहीं और खर्च कर दें विच इज़ अ गुड पॉइंट ये मेरी पोजीशन आई रिवाइज़ माय पोजीशन आपकी बात सही है क्योंकि हम वही फ़ंड रेजिंग में हम स्कूल भी बना सकते हैं हस्प और हस्पताल बनाए हैं पाकिस्तान में जो कैंसर हॉस्पिटल इमरान ख़ान ने लोगों के पैसे से इकट्ठा करके बनाया फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसकी पाकिस्तान में रिवाज था इमरान खान के आने से पहले बकरे की कुर्बानी की खाले जो हैं वो मस्जिदों में मौलवियों को मिलती थी ये जैश लश्कर जैश त्यबाल वगैरह इन सारों को मिलते थे इमरान खान जब आया तो एक नारा मशहूर हो गया कि कुर्बानी की खालें शौकत खानम को दें तो बहुत सारे लोगों ने हर साल जब बकर बकर होती थी तो बकरे की जो खालें होती थी वो शौकत खानम को डोनेट कर देते थे तो बहुत बड़ा हिस्सा शौकत खानम जो जो कि कैंसर हॉस्पिटल लोगों के लिए ही है ना तो वो लोग जो पहले मस्जिद में जाता था मस्जिद के मौलवियों के पास जाता था जिससे नई खास की चटिया आ जाएंगी खास की च, चटें उनको क्या कहते हैं तो सफे आ जाएंगी पंखा आ जाएगा उसमें एसी लग जाएगा वगैरह और थोड़ा सा मौलवी साहब की जेब में चला जाएगा वगैरह वगैरह वो ये एटीट्यूड चेंज हुआ कि लोगों ने कुर्बानी की खालें एक एक फ्लाई इधारे को देनी है जो कि कैंसर हॉस्पिटल है जिससे लोगों को फायदा हुआ तो आपका ये वाला पॉइंट तो आई एग्री विद यू कि वाकई ये कल्चर चेंज होगा मंदिरों में मस्जिदों में पैसा लगाने के बजाय अस्पतालों में स्कूलों में लगाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा लेकिन जो गुरबत जो है ना अनफॉर्चुनेटली गुरबत नहीं दूर हो सकती गुरबत ऐसे हमें इसको स्टेट ही कर सकती है और स्टेट भी जब वेलफेयर स्टेट हो जो कि लोगों से टैक्स ले और फिर होम आप एक आधा होमलेस शेल्टर बना देंगे और होमलेस शेल्टर में भी लोग आते जाते रहते हैं क्या करेंगे आप किसी गरीब को वो कहते हैं है ना ना है कि को मछली मछली दो उसको कैसे कैच करते हैं, वो सिखाओ जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी सक्सेस का जो राज है जो इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया यूरोप को पीछे छोड़ के उसकी वजह ये थी मैड कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म ऑन यानी सरमायास बिजनेस बिजनेस एटीन नाइनटीज में उन्होंने स्काई स्क्रेपर बनाना शुरू कर दिया अमेरिका ने ऐसा लीप फ्रॉग किया वर्ल्ड को कि उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती चाइना की आई चाइन जो अमेरिका ने जो 40 साल में तरक्की की चाइना ने वो वो में 10 साल में रेप्लिकेट कर दी एल्स स्टेट लेकिन चले बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच चलो थैंक यू सो मच सर इतना टाइम दिया नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या Patreon पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ